तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस के वन प्लस नोट सी के बारे में, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये स्मार्टफोन वन प्लस की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन होगा, यानी कि इस फोन की प्राइसिंग काफी कम होने वाली है वन प्लस के और डिवाइस के कंपेरिजन में। और दोस्तों यकीन मानिए, इस फोन में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको एक अच्छे स्मार्टफोन में देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि इस फोन में आपको काफी बढ़िया कैमरा जो है देखने को मिलेगा, और साथ ही में सबसे बढ़िया बात, इस फोन के अंदर आपको काफी बड़ी बैटरी जो है देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात होगी। और हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको जो है 5G का सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वन प्लस नोट सी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे इस फोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है और ये स्मार्टफोन क्या क्या स्पेक के साथ आएगा, सभी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि इस फोन के अंदर जो है हमें काफी बढ़िया डिस्प्ले मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का जो है सपोर्ट मिलने वाला है। बात करते हैं डिस्प्ले के साइज के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि पंच होल के डिस्प्ले के साथ आएगा, यानी कि आपको साइड में जो है एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, तो दोस्तों इस फोन के अंदर जो है आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और साथ ही में आपको 4 कैमरे और देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर इस फोन में आपको पेंटा रियर कैमरा मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको टोटल जो है 5 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, तो कैमरा वाइज ये फोन काफी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं सेल्फी के बारे में, तो सेल्फी में आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात रहने वाली है। तो नो डाउट इस फोन का जो है कैमरा काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन का जरूर से वेट करिए। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको जो है 5G का एक बढ़िया प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है। और इस फोन में आपको गेमिंग के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है काफी कम प्राइसिंग के अंदर। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के बैटरी के बारे में, तो इस फोन के अंदर जो है आपको 5000 mAh जैसा बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि 35W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो नो डाउट इस फोन का बैटरी भी काफी अच्छा होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के अदर फीचर के बारे में, तो इस फोन के अंदर जो है आपको साइड मॉनिटर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और चार्जिंग के लिए इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगी, और ये फोन जो है लेटेस्ट वर्जन के साथ आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, दोस्तों जो इसका बेस वेरिएंट होगा यानी कि 64GB वाला वेरिएंट, वो आपको 25,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये फोन अगर 25,000 के बजट में आता है तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बढ़िया स्मार्टफोन हो सकता है। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यही था वन प्लस नोट सी के बारे में कुछ कन्फर्मेशन, बाकी इस फोन के बारे में कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और ये स्मार्टफोन आपको मार्च के एंड तक जो है देखने को मिल सकता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।